Assalamualaikum guys, मेरे चैनल में खुश आमदीद। और गाइस अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब जाके करो, सब्सक्राइब वीडियो को करो, लाइक कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपने सब्सक्राइब कर लिया। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए, मुझे ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहे और मैं कोशिश करूंगा आप सबकी रिक्वेस्टें जल्द से जल्दी पूरी करने की। ठीक है गाइस, आज हमें देखने के लिए रियल उमर कराची लेटेस्ट टिकटॉक, रियल उमर कराची लेटेस्ट टिकटॉक वीडियोस पाकिस्तान टिकटॉक स्टार्स। तो आए मिलकर देखते हैं ये कौन है। I don't know, तो स्टार्ट करते हैं अब। नाम क्या है मित्र? भाई जिस लड़की से हम दोनों प्यार करते थे ना, आज वो मुझसे प्यार करती, इसलिए तू अब हमें अकेला छोड़ दे। जिस दोस्त के लिए उसे छोड़ा था साला, उसी दोस्त ने आज मुझे छोड़ दिया। तेरा महबूब किससे हो रहा? भूमि को कोई नीच पापी छू नहीं सकता, उनकी छाती चीर कर उन सबको ये कहने जा रहा हूं मैं। गली गली तेरी लाज डाली की और प्राणों से बढ़ के हमको है ऐसा वो ऐसा जगमग है तारे सा। मच्छे लड़की को पाप होगा कर को, तू भी किसी लड़की का बाप होगा। भगवान करे तेरा कहना सच्चा हो, जो मुझे बाप कहे वो तेरा बच्चा हो। कभी घर ही नहीं जाऊंगा, हमेशा डांटते रहते हैं ना। तो क्या हो गया भाई? कुछ नहीं यार, पापा ने डांटा। हाँ यार मुझे भी। चल यार चलते कहीं नशा करेंगे। पागल, कभी कभी तो पापा की डांट सुनने को मिलती है और तो उसमें भी नशा करने को कह रहा है। पता है मेरा दिल कभी झूठ नहीं बोलता, पूछ के देख ले। अच्छा अगर ये अपनी गर्लफ्रेंड से दूर गया क्या होगा? रोएगा तू। और अगर माँ से दूर गया क्या हुआ? यार एक बात बताऊं, बंदे की स्टार्टिंग पे ना, जब मैंने उसकी वीडियो देखी, उसके ब्लू हेयर देखे ना, तो मुझे लगा ये बंदा ना ओवर कुछ करेगा, कुछ अजीब वीडियोस बनाएगा। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसकी वजह क्या, जो इसकी तीसरी वीडियो थी आई थिंक, जिसमें इसने अपने पूरी टिकटॉक की जर्नी बताई, जब लोग इसके बाल खड़े थे, ब्लॉन्ड हेयर थे और लोग इसके बालों को हाथ हटा के इसमें मजाक उड़ा रहे थे, इसकी वीडियोस का मजाक बना रहे थे। लेकिन अचानक जब उन्होंने टिकटॉक पे देखा ये बंदा फेमस हो गया, तो फिर आकर उनसे माफ़ी मांगी। और माफ़ी मांगने बाद उससे फिर तस्वीर भी खिंचाई। बाकी इसकी मुझे ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस बहुत अच्छी लगी। जब ये बैठा हुआ था ना, तो इसने हाथ पहले आगे कर दिया और फिर उसकी पैंट का कलर चेंज हुआ, तो वो थोड़ी मिस्टेक थी, वो इग्नोर करता हूँ, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना। बंदा बहुत ही आला लगा, बहुत ज़बरदस्त। इसकी जो एक वीडियो मुझे लास्ट वाली वीडियो लगी ना, जब उसने कहा कि मेरा दिल कभी उससे जुड़ नहीं बोलता, तो उसने कान लगाया बोला कि अगर इसकी गर्लफ्रेंड इसे छोड़ कर चली जाएगी तो ये क्या करेगा, तो उसने कहा आगे से तो रोएगा। और जब फिर उसने दोबारा पूछा कि अगर इसकी माँ इसे छोड़ के चली जाए तो उसके हाथ में से बीप की आवाज आई, तो उसका मतलब था कि वो मर जाएगा।
लेकिन बहुत ही आला वीडियो बनाई, बहुत ही ज़बरदस्त लगा। मैं इसकी वीडियोस पे और भी रिएक्शन देना चाहूँगा अगर उसकी वीडियोस ऐसी ही हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी वीडियोस पे रिएक्शन दूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं देना चाहूँगा। मुझे बहुत ही प्यारी वीडियो लगी इसकी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन भी है इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त इसने वीडियो बनाई। मनिया सूर्वे वाली भी अच्छी थी और वो भी अच्छी लगी, जिसमें उसने कहा कि काश मेरे बच्चे की माँ तुम होती, ठीक है। लेकिन उसमें जो लगा थोड़ा मैसेज, वो थोड़ा अच्छा मैसेज होगा कि उसने कहा कि कल को तू भी किसी लड़की का बाप बनेगा, तो उसने आगे से कहा कि काश वो मेरे बच्चे की माँ तुम हो या कुछ भी। तो मुझे लगा था पहले वो स्टार्टिंग में थोड़ा सीरियस मैसेज होगा, लेकिन थोड़ा पटा दिया उसने। लेकिन मज़ा आया वीडियो देख, अच्छी लगी। आई होप कि आपको भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और बुरी लगी तो तभी भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। बाकी मिलेंगे मेरी अगली वीडियोस में, दुआ में याद रखिएगा। लव यू गाइस, टेक केयर, दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। लव यू, टेक केयर, बाय।